हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आप देख रहे होंगे कि जस्ट एक होटल रूम है और मैं जस्ट यहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो भोपाल में हूँ, मैं आज ही आया हूँ फ्लाइट से, और जस्ट आज इवनिंग में 5 PM मेरा सेमिनार भी है। 1 जून है आज, और आज ही सेमिनार है, और कल मॉर्निंग में 10 AM मेरी कंट्रोल सिस्टम की क्लास है। तो भिलाई में मैं कल ही क्लास ख़त्म किया हूँ, नाइट तक मेरी क्लास ख़त्म हुई, और आज ही मैं बस जस्ट भोपाल आया हूँ। तो आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना था, और कुछ आप देख रहे होंगे कि एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए रखा हुआ है। मैं बोला भी था कि इस कुछ दिन में आपको सरप्राइज़ देता हूँ, तो कोरियर से, क्योंकि एड्रेस मेरा था होटल का, तो मैं बोल दिया था कि इसी एड्रेस पर भेज दीजिएगा करके। तो मेरे पास कोरियर से भी आ चुका है, और मैं जस्ट आप लोग के लिए ओपन करता हूँ इसको कि इसमें आप लोगों के लिए क्या सरप्राइजेस हैं। ठीक है, आप लोगों को मज़ा आएगा, तो आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। हम लोग इतना वर्कआउट आप लोगों के लिए कर ही रहे हैं, क्लियर। सेकंड चीज़ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जितने ब्रांच के स्टूडेंट्स होंगे, वो लोग तो अभी तक इन्जॉय कर भी रहे होंगे जो गेट अकेडमी की बुक्स और जो आप लोगों के पास है, क्लियर। जैसे मैं बोला था कि आप लोगों को उसमें मज़ा आ रहा होगा, तो आई थिंक उसमें मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें किस टाइप की चीज़ें हैं और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फाइनली आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक आ चुकी है। जैसे मैं बोला था कि नेक्स्ट हम लोगों की जो बुक लॉन्च होगी, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक लॉन्च कर रहे हैं फाइनली। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सैंपल कॉपी आ चुकी है, और आप देख रहे होंगे कि गेट प्लस ESE लिखा हुआ है। तो अभी जो प्रेजेंट जो अभी ESE का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो प्री का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट इंक्लूड हो चुका है। तो जो इंजीनियरिंग एग्जाम का, जो आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो प्री का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर भी इसमें है, उसके सॉल्यूशंस भी है। और गेट में हम लोग कौन कौन सी ब्रांचेस को कवर किए, अगर आप देखोगे तो सिविल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, इतनी पूरे ब्रांचेस के पूरे क्वेश्चन को कवर किया गया है और डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे मैं आप लोगों को बोला भी था कि हम लोग सॉल्यूशन पे बहुत वर्कआउट करते हैं, और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर कि पूरे स्टूडेंट लोगों को बहुत अच्छी बुक लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को तो इतने सारे हम लोग वीडियो भी प्रोवाइड करते, तो ठीक है, उनका बिलीव तो हम लोगों पर बहुत ज़्यादा है। तो मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब लोगों की स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये बुक बहुत ही अच्छे फॉर्म में निकले। तो लगभग हम लोग की 6 और 7 लोगों की जो टीम थी, वो बहुत वर्कआउट की है इसमें। आप लोगों को इस बुक देखने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। गुरुपाल सर इसमें स्पेशली बहुत सारा वर्कआउट किए हैं। लगभग आपको इसको, अगर आप इस बुक को देखोगे, तो मोर देन 150 QR कोड है। इसका मतलब कि वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है मोर देन 150 क्वेश्चंस के। तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, जो QR कोड इसके थ्रू जब जाओगे, तो आपको अच्छा लगने वाला है। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि इस बुक में एक और चीज़ हम लोग क्या किए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि लगभग 10 to 15 मार्क्स का आता है, और ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबको आना चाहिए। ऊपर से क्या होता है कई बार कि जितने लोग भी टेक्निकल अपना प्रिपरेशन करते, वो लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग में पढ़ते भी नहीं है, लास्ट में 10 days 15 days ऐसे टाइम दे के पढ़ लेते हैं। तो मार्क्स से आपको मार्क्स स्कोर करना है। इवन जो जब पेपर टफ आता है, जिन लोगों का भी पेपर टफ आता है, उस समय इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर अगर आसान है तो फिर तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बनना ही चाहिए। तो दोनों ही केस में, चाहे पेपर इजी हो चाहे पेपर टफ हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी ब्रांचेस के लिए। इसलिए इस रिस्पेक्ट में ये बुक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हम लोग वर्कआउट भी उसी स्टाइल में किए। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लोग नॉर्मली ऐसे ही पढ़ लेते, जो सेल्फ स्टडी वाले लोग रहते वो किसी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से पढ़ लेते। तो मैं इस बुक में हम लोग एक और चीज़ की है कि अगर आप देखोगे इसमें, तो हम लोग इस बुक में सिनॉप्सिस रखे। जैसे ये पहला चैप्टर है लीनियर एलजेब्रा, तो इसमें हम लोग सिनॉप्सिस रखे। इसका मतलब है कि आप बेसिक जो किसी चैप्टर का जो सिनॉप्सिस है, जो इंट्रोडक्शन है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी इसमें हम लोग कवर किए। उसके बाद ब्रांच वाइज क्वेश्चंस फिर कवर करना चालू किए कि ब्रांच वाइज कवर करते गए क्वेश्चंस को, और डिटेल सॉल्यूशन किए। जैसे आप जानते हो कि हम लोग नॉर्मली डिटेल सॉल्यूशन में जाते हैं। आपको दिख रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, क्योंकि मेरे पास सैंपल कॉपी आया है। ये सेम वैसे कलर में रहेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जो बुक आ चुकी है, 4 बुक्स जैसे कलर फॉर्म में है, उसी फॉर्म में रहेगी। आपको बहुत इंटरेक्टिव लगेगी बुक, आपको मज़ा आने वाला है। सेकेंड चीज़ है कि
इसमें लगभग हम जो टॉपिक में डिवाइड किए इस वाली बुक को, तो इसमें जितने टॉपिक से अगर मैं उसकी बात करूँ तो लगभग 11 चैप्टर्स में डिवाइड किए, और जो 12 चैप्टर है वो ESC के जो क्वेश्चन है, जो प्री का जो पार्ट है वो, प्लस इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, वो क्वेश्चन भी कवर किए हम लोग। सेकंड चीज़ है कि 11 चैप्टर में डिवाइड किए, तो जैसे कि चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस है थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर वेक्टर कैलकुलस है, फिफ्थ मैक्सिमा मिनिमा है, मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लिमिट एंड सीरीज एक्सपेंशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, और चैप्टर 10 है न्यूमेरिकल मेथड, और चैप्टर 11 है ट्रांसफॉर्म थ्योरी। जिसमें से अगर मैं ट्रांसफॉर्म थ्योरी की बात करूँ तो ये सिविल मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट तो सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म थ्योरी को भी इंक्लूड करके रखें। मतलब मैं चाहता हूँ कि पूरा अच्छा खासा कवरेज है, चाहे वो आप सिविल मैकेनिकल के कोई भी स्टूडेंट्स हो, आपको बुक का जो फॉर्म है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जितने भी मार्केट में बुक्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है कि कुछ मिसिंग मिले, लेकिन हम लोग ट्राई किए कि एक सिंगल क्वेश्चन भी मिसिंग ना रहे, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन आया हो, कितना भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आया, उसके लिए हम लोग वर्कआउट किए, बहुत सारा वर्कआउट किए, तो जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रॉपर गिवन के साथ लिखा गया है, की पॉइंट्स एक्स्ट्रा फॉर्म में ऐड किए गए कि जब आप पढ़ोगे तो आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो, आप अपने की पॉइंट्स को प्रॉपर इस बुक से नोट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो पैकेज है ये मैं ट्राई किया हूं कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे, स्टूडेंट लोग की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये बुक एक ESC स्टूडेंट जो भी प्री का एग्जाम देने वाला है उसके लिए, प्लस गेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिन लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता ही है, तो उन लोगों के लिए कॉमन बुक है। इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कंप्यूटर साइंस वालों का कि सर कंप्यूटर साइंस का आप नहीं लिखे हो, तो कंप्यूटर साइंस के लिए हम अलग से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक निकालने का प्लान किए, उसमें डिस्क्रीट मैथ्स भी रहेगा, इसलिए हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं किए कंप्यूटर साइंस को, क्योंकि उनके लिए डिस्क्रीट मैथ्स जो ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट होता है, इसलिए CSIT को इसमें इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। तो लोग ज़्यादा वरी ना करें, भी प्लान चल रहा है। तो गेट और ESC के लिए पूरा कंप्लीट है, लगभग 26 इयर्स के इसमें पूरे क्वेश्चंस हैं, एकदम जो सॉल्यूशंस रहेगा वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, तो ट्राई किया गया बेस्ट वर्कआउट करने का। बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल, कैसा आपका फीडबैक रहता है। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ से आप अगर गेट अकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे या पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो इसके हम लोग सैंपल्स भी डाल दे रहे, मतलब जो सिनॉप्सिस का जो स्टाइल है उसका हम सैंपल डाल दे रहे, कुछ चैप्टर्स के आपके पास जो सैंपल्स होंगे, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो भी डाल दे रहे, तो आपको दिखेगा कि सैंपल्स भी किस फॉर्म में है और जो ऑफिस का फॉर्म है वो भी कैसा है, तो सब आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल पैकेज ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सके। मेरे को पता है कि पूरे इंडिया में कंपटीशन वाला माहौल डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, आप देखते हो मैकेनिकल में तो स्कोर कहां से कहां पहुंच गया, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर 13 मार्क्स का आ रहा है तो 13 में से 13 मार्क्स मिले एक मैकेनिकल के स्टूडेंट को, क्लियर, टॉपर का मार्क्स 95 तक आ जाता है। तो एक मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसलिए भी स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा गेट का जो पेपर है, गेट का जो स्टाइल है, वो पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो मैं सब लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत डोमिनेटिंग सब्जेक्ट रखें, और एक इंजीनियर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो उसका फेवरेट और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें कि आपको हमेशा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बने, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में जब आप मैथ्स में कमांड करते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में इस बुक को केयर किया गया है, थोड़ा सा टाइम भी लगा उसके लिए, सॉरी कि हम लोगों को टाइम लगा, मैं बोला था जल्दी लॉन्च करूंगा लेकिन इतना आसान नहीं हुआ। तो इसकी जो प्री बुकिंग है वो आप करवा सकते हो 5 जून, आज 1 जून है, तो आप 5 जून से इवनिंग 5 PM से गेट अकेडमी पब्लिकेशन की वेबसाइट से जाके आप प्री बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। इस बार हम ट्राई करेंगे कि लास्ट टाइम जैसे आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था डिलीवरी के रिस्पेक्ट में, तो हम ट्राई करेंगे कि डिलीवरी इस बार और फास्ट हो, तो लगभग आप 5 जून से इसका प्री बुकिंग स्टार्ट होगा, तो 5 जून से लेके 15 जून तक इसका प्री बुकिंग रहेगा। तो 5 जून से लेके 15 जून तक इसका प्री बुकिंग रखेंगे, तो जितने लोग भी प्री बुकिंग जितने लोग भी करवाएंगे उन लोगों को प्रॉपर वे में डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हमेशा कि जितने लोग भी इनिशिएट पहले से ले रहे हैं या जो बिलीव करते हैं उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी जैसे हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट रखे थे प्री बुकिंग का, फिर बाद में नहीं रख पाए, इतना आसान नहीं था, तो प्री बुकिंग का अच्छा खासा जिसमें डिस्काउंट रखा गया है, तो आप जब पब्लिकेशन वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे तो आपको पूरा डिस्काउंट वगैरह सब कुछ दिखेगा। और 5 जून इवनिंग 5 PM के बाद से ही प्री बुकिंग स्टार्ट होगी, तो इस डेट को नोट कर लीजिएगा, है ना। पिछले बार ऐसा हुआ था कि हम लोग प्री बुकिंग स्टार्ट की और वेबसाइट ही हैंग हो गई थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था, तो फिर भी हम लोग ट्राई किए। तो इस बार हम लोग की प्रिपरेशन पिछले बार से और भी अच्छी है,
आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि आपके पास बुक की डिलीवरी कब होगी। इस बार ट्राई करेंगे कि बुक की डिलीवरी का पार्ट थोड़ा सा फास्ट हो। तो 5 जून से लेकर अगर 15 जून तक आप प्री बुकिंग करते हो तो मेरे को लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको बुक मिल जाना चाहिए। जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम ट्राई करेंगे कि आपको बुक मिल जाए, ठीक है। तो इस बुक के साथ आप इन्जॉय कीजिएगा, मैं फीडबैक का वेट करूँगा। और आप लोग जितने सजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बुक में जो आप सजेशन दे रहे हो, मेरे को लगता है कि आप लोग जो ईमेल आईडी में भेज रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन 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 से क्वेश्चन में लग रहा है कि इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। वैसे मेरे को चाहिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया, बाई चांस हम ट्राई किए कि एक भी सॉल्यूशन रॉन्ग ना मिले, लेकिन अगर सॉल्यूशन रॉन्ग मिलता है या आपको कोई अल्टरनेटिव अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसमें ईमेल आईडी दिया होगा उसमें आप भेजिएगा आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या कुछ सजेशन भेजिएगा। तो जब मैं अगली बार जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक लॉन्च करूंगा तो कुछ सरप्राइजेस रहेंगे आपके पास गिफ्ट के फॉर्म में। तो मैं लगभग 3 to 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, तो मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं कि क्या सरप्राइजेस रहेंगे, लेकिन आपको मजा आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के तो जितने बुक लोग लिए होंगे मेरे को लगता है कि उनको तो पता ही है, मैं बोल चुका हूं कि 1 लाख आप लोगों के लिए प्राइस भी रखा गया है, जो फर्स्ट आपका जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सेकंड 50,000 रखा गया, थर्ड 25,000। तो मेरे को लगता है कि वो सरप्राइजेस जो प्राइस के फॉर्म में वो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितने अच्छे लेवल में पढ़ेंगे आपको उतना एडवांटेज होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को कनेक्ट किया कि ठीक है आप अपना अगर एफर्ट कर रहे हैं तो चलो आपको सरप्राइज के फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में कुछ मिलना चाहिए। और हम गेट गेट में यूट्यूब जो फैमिली बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके, तो एक अच्छी फैमिली हम लोग ऐसे बनाते जा रहे हैं डे बाय डे। आप देख सकते हो कि 1,50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए इंडिया में, जिस वे से एजुकेशन वाला पार्ट गेट अकेडमी के थ्रू ग्रो हो रहा है वो बहुत ही सुपर्ब हो रहा है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोगों का इतना अप्रिसिएशन, आप लोगों का इतना रिस्पेक्ट, आप लोगों का इतना लव, बहुत ही मज़ेदार है। तो कल ही मैं अपनी क्लास खत्म किया कंट्रोल सिस्टम की, और बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन था स्टूडेंट लोगों का, तो अच्छी अच्छी फीलिंग थी। अब देखता हूँ कल से भोपाल में क्लास है मॉर्निंग 10 AM, अगेन कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने का मेरे को मौका मिल रहा है, तो इंजॉय करेंगे भोपाल वाले स्टूडेंट और मैं भी इंजॉय करूंगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि पहली बार भोपाल में इस टाइप की क्लासेस में कोई इंगेज में कर रहा हूँ गेट अकेडमी भोपाल में, तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ आप इंजॉय कीजिएगा उस बुक के साथ, और बिल्कुल अपना फीडबैक देते रहिएगा, जैसा भी लगेगा बताइएगा। आगे मैं और कुछ भी अनाउंसेस करूंगा और कुछ भी सरप्राइजेस रहेंगे आप लोगों के लिए। जैसे मैं आपको बोला था कि इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक लॉन्च करने का प्लान है, तो लगभग मैं आपको जून के लास्ट में बताऊंगा कि उसका क्या प्लान है, कहां तक प्रोसेस पहुंचा है। चांसेस है 90% चांसेस है कि इंस्ट्रूमेंटेशन की जो बुक होगी वो लॉन्च होगी, 90% से ज़्यादा चांसेस है। तो आप वेट कीजिएगा 1 month, आप वेट कीजिएगा, लगभग मैं जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।